कल आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, दोपहर बाद जारी होगी कांग्रेस की दूसरी सूची। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि पहली सूची में बड़ी होगी दूसरी सूची में 33 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान में अब चुनाव की घंटी बज चुकी है। अब ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती भी है, सही और मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारना। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस में मंथन भी जोरों शोरों से चल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा को दूसरी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस को पहली लिस्ट भी अभी भी जारी हो चुकी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में प्रत्याशियों के चयन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। आपको याद ही होगा कि कल देखिए 33 प्रत्याशियों की सूची यहां पर जारी कर दी गई थी, जिसमें से 32 जो प्रत्याशियों के नाम थे वो रिपीट किए गए हैं। यानी कि सिर्फ एक ललित यादव है जिनको एक यहां पर जोड़ा गया है, एक ये नया नाम जोड़ा गया है। और वही राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी ही सीट लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ओसिया से दिव्या, हिंडोली से अशोक चांद्रा, सवाई माधोपुर से दानिश अवरार और जोधपुर से मनीषा पवार और सादुलपुर से कृष्णा पुनिया को टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, खाजूवाला से गोविंद मेघवाल संभावित उम्मीदवार होंगे। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं दूसरी लिस्ट की। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला संभावित उम्मीदवार हैं और कल आएगी कांग्रेस की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोपहर बाद जारी होगी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। आपको बता दें कि पहली सूची से ये दूसरी सूची बड़ी होगी, यानी 33 से भी ज्यादा नामों की घोषणा की जाएगी। कल दूसरी सूची में जिस तरीके से जिक्र किया गया था कि पहली जो सूची जारी हुई है उसमें सिर्फ 33 नाम थे, लेकिन कल जो सूची जारी होनी है कांग्रेस की दूसरी वाली, उसमें 33 से भी ज्यादा नाम है। दूसरी सूची के लेकर अब यहाँ पर जो संभावित उम्मीदवार है उसकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। करणपुर से भी देखिए, पचपदरा से मदन प्रजापत संभावित उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा खाजूवाला से गोविंद मेघवाल संभावित उम्मीदवार है। इसके साथ आपको बता दें कि खाजूवाला से गोविंद मेघवाल संभावित उम्मीदवार होंगे और बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला संभावित उम्मीदवार होंगे, आपको जानकारी दे रहे हैं। विशेष संवाददाता दिनेश ढंग मिसा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। दिनेश, कांग्रेस की कल पहली सूची जारी हो चुकी है और कल कहा जा रहा है कि दूसरी सूची जारी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है और क्या लग रहा है कि किस किस के नाम शामिल हो सकते हैं सेकंड लिस्ट में? दिनेश जी, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची डेफिनेट जारी कर देगी और दोपहर बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की जाएगी और जिसमें करीब 33 से ज्यादा यानी 50 के आसपास नाम यहां पर बताए जा रहे हैं। और कल जिस तरह दोपहर 2 बजे के आसपास सूची जारी की थी, तो पूरी संभावना है कल भी दोपहर 2 बजे के बाद कांग्रेस राजस्थान के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर देगी। लगातार हम वो नाम आपको बता रहे हैं, संभावित नाम, कि किस चीज को मौका दिया जा सकता है। तो पहली सूची में भी सामने आ रहा है कि अधिकतर जो विधायक है, मंत्री है, उनको टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे खाजूवाला से गोंजा मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कला संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा बाड़मेर से मेवाराम जैन, पचपदरा से मदन प्रजापत, इनका नाम दूसरी सूची में हो सकता है। संकुतरा राव मानसू से, रोहित बोरा राजाखेड़ा से, गिरिराज मलिंगा बाड़ी से और लाड़ी देरवा बसेड़ी से एक बार फिर मैदान में उतारे जा सकते हैं। तो लगातार वो संभावित नाम हम अपने बिल्कुल दिनेश जी की सच बेधड़क पर जो संभावित नाम है सेकंड लिस्ट को लेकर, वो लगातार यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है दिनेश कि जो पहली सूची जारी हुई है कांग्रेस को, उसमें कहीं ना कहीं विरोध भी देखा गया है। कुछ ऐसे नेता है जो विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने पहले चुनाव जीता तो हमें पहले टिकट मिलना चाहिए था। तो क्या अब जो विरोध हो रहा है उसकी भरपाई यहाँ पर कांग्रेस कर पाएगी सेकंड लिस्ट में? जी देखिए, 104 नाम सीईसी से, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से क्लियर हो चुके। एक तय रणनीति के तहत कांग्रेस कह सकते हैं कि टुकड़ों में, किस्तों में छोटी छोटी सूचियां जारी कर रही है। हालांकि कल की सूची बड़ी होगी, 50 के आसपास नाम बताए जा रहे हैं, अधिकतर उसमें विधायक है। इसके पीछे एक रणनीति यह भी है कि इनके सामने दूसरा कोई सशक्त और मजबूत दावेदार नहीं है, तो ऐसे में विरोध
और नाराजगी आक्रोश जैसी तस्वीरें सामने नहीं आए। इसके लिए पहली सूची एक तय रणनीति के तहत छोटी जारी की गई, क्योंकि जिस तरह बवाल मचा था 40 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली सूची आई थी, तो उसका काउंटर अटैक करने के लिए एक अच्छा मैसेज आए कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, सब नेता एकजुट है। शायद उसी रणनीति और कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल दिनेश, देखिए अब सेकंड लिस्ट का इंतजार देखिए, यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो कर ही रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी थी कल, लेकिन अब इंतजार हो रहा है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकर। दिनेश, अगर हम कल का जिक्र करें पहली सूची को लेकर, तो देखा गया था कि कई ऐसे नाम थे जो फिर से रिपीट किए गए थे, तो सेकंड लिस्ट में क्या लग रहा है कि क्या फिर से वही होगा जो पहली सूची में हुआ है? जी देखिए, दूसरी सूची थोड़ी डिफरेंट आने वाली है, क्योंकि कल पहली सूची में 33 में से 29 विधायक तो रिपीट किए गए थे, बड़े नाम थे, तो ऐसा कोई चौंकाने वाला नहीं था। लेकिन कल की सूची में अब कयास है कि कितने नए चेहरे उतारे जाते हैं, कितने विधायकों की टिकट काटी जाती है और कितने विधायक और हारे हुए प्रत्याशी रिपीट किए जा सकते हैं। अब कह सकते हैं कि दूसरी सूची काफी चैलेंजिंग कांग्रेस के लिए हो सकती है, और यकीन तय मानिए उसमें चौंकाने वाले फैसले भी दिखेंगे। बिल्कुल दिनेश, और चुनौती इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि देखिए आपको याद होगा किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बगावत है वो अक्सर यहाँ पर देखी जाती है। दोनों भले ही मंच पे एक साथ रहते हो दिनेश, लेकिन अंतरकलह वो अभी खत्म नहीं हुई है उनके बीच में। हालांकि अशोक गहलोत की कोशिश ये रही है कि सचिन पायलट को साधने की कोशिश की जाए, उनके जो चार नेता थे देखिए उनको यहाँ पर टिकट दिया गया, तो सेकंड लिस्ट में भी क्या ये तस्वीर नजर आ सकती है? देखिए पिछले दिनों दोनों के ही बयान आए एक दूसरे से, उनका प्यार मोहब्बत विशाल बन चुकी है, मैंने किसी के नाम पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, दोनों ही नेताओं ने इस तरह के बयान दिए। फिर प्रियंका गांधी की सभा से सभा स्थल के बाद एक गाड़ी में बैठकर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं, फिर वहां दर्शन करते हुए तीनों की एक मिले सुन मेरा तुम्हारा जैसी तस्वीरें आती है। लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है होता नहीं। सीएम गहलोत ये कई बार कह चुके हैं, क्योंकि साधु बनने या कोई नहीं आता, अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की जाहिर सी बात है प्रयास देंगे, तो सहमति सियासत में संभव नहीं है। अगर ये एकजुटता कायम और बरकरार रखती है तो यकीनन कांग्रेस 30 साल का इतिहास राजस्थान में बना सकती है, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद जो सरकारें बदलने का रिवाज उस पर ब्रेक लगा सकती है। तो कितनी टिकती है मतदान तक ये एकजुटता या परिणाम के बाद, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चारों तरफ कांग्रेस की दूसरी सूची का बेसब्री से इंतजार बढ़ गया, खासकर जो दावेदार है और उनके समर्थक है। कांग्रेस गलियारों में आंकलन किसी का हो रहा है कि दूसरी सूची में किसकी किस्मत खुलने जा रही है, तो सच में धड़क एक एक कर उन संभावित नामों की सूची दर्शकों के सामने रख रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले लिस्ट को ब्रेक किया, संभावित नाम बताए, उन पर मोहर लगी, और कल भी ये जो हम नाम चला रहे हैं उसमें कह सकते हैं कि 90% सूची में नाम होंगे। बिल्कुल जाहिर है हम कांग्रेस से संभावित जो उम्मीदवार हैं कल सूची जारी हुई उनके देखिए नाम भी यहाँ पर लगातार सच में धड़क चला भी रहा है, और पल पल की अपडेट देखिए सच में धड़क आपको दे भी रहा है। लेकिन दिनेश, जो वाकई अंतकलह जो कांग्रेस के बीच बनी हुई है, हालांकि सूचियां जारी हो रही हैं, सबको साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी वर्ग का ही क्यों ना हो, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ये मकसद है कि हम किसी को नाराज ना करें, चाहे वो OBC का हो या जनरल का हो या SC हो या ST हो। दिनेश जी बिल्कुल, कोई भी सियासी दल हो, जातिगत और सियासी समीकरण सभी साधने की कोशिश करते हैं, और SC ST की जो सीटें रिजर्व है जाहिर सी बात है उन्हीं की कैटेगरी के लोग लड़े जाएंगे। तो अब OBC है, जनरल है, अल्पसंख्यक है या अन्य जो कास्ट है उनको कैसे साधा जाए, जैसे कई बार जनरल सीटों पर भी SC कैटेगरी के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दी, जिसकी बात रामनारायण मीणा, मुरारी लाल मीणा, हरिचंद्र मीणा, वो चेहरे थे जिन्हें जनरल सीट पर उतारा गया। तो कांग्रेस जो हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, सत्ता में बना रहना चाहती है, लेकिन समीकरण साधने के बाद जनता किस तरह उनका ऑब्जर्वेशन करती है, वो किस तरह परसेप्शन बनाती है, कई फैक्टर इसमें यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस कह सकते हैं कि काफी रणनीति के तहत काम कर रही है, साथ लेकर चलना ही कोशिश है। अगर हम महिलाओं का जिक्र करें दिनेश, तो कोशिश देखिए कांग्रेस की रही कि हम महिलाओं को साथ लेकर चले, तभी देखिए उनके 33 नाम में से 9 महिलाएं रही हैं। इस बार क्या उम्मीद लग रही है सेकंड लिस्ट में महिलाओं को लेकर? जी देखिए, पहली सूची अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिस तरह महिलाओं को अलग से राजनीति में आरक्षण देने की मांग कर रही है, और जिस तरह का
पार्लियामेंट राज्यसभा में पारित भी गया। तो पहली सूची में बिल्कुल उसकी झलक देखने को मिली, 33 में से 9 यानी करीब ये 80% के पास आंकड़ा हो सकता है कि 9 महिलाओं को उन्होंने टिकट दी और आगे भी इनको कह सकते हैं कि क्योंकि पहली सूची में आप एक देखिए 70 साल से ऊपर के दो ही नेता को टिकट दी गई, सीएम अशोक गहलोत और स्पीकर जेपी जोशी। तो आगे भी इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, युवाओं और बच्चाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाएगा क्योंकि कल जो सूची आई उसमें 50 साल और 45 साल के लोगों को खूब टिकटें यहाँ पर मिली है। तो आगे भी ठीक है, लेकिन दिनेश पहली लिस्ट जो जारी की है कांग्रेस पार्टी ने, 9 इसमें महिलाएं शामिल की गई हैं और आपने लिस्ट भी देखी होगी बीजेपी की, उसमें भी देखिए ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है महिलाओं का, ज़्यादा नाम उसमें संभावित भी नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन दिनेश इससे तो ये लग रहा है कि अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी महिलाओं को तवज्जो दे रही है इससे दिक्कतें और चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं। देखिए इस बार कांग्रेस सरकार की आप स्कीम देखिए, आधी आबादी है महिला और पुरुष, ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जैसे महिलाओं को मोबाइल फ्री में बांटने की स्कीम आई, सैनिटरी पैड आई, 500 रुपए में सिलेंडर आए, तो पूरी आधी आबादी के वोट बैंक पर कांग्रेस ने पहली नजरें रखी। ओपीएस के पुरानी ओल्ड पेंशन योजना के जरिए कर्मचारियों के वोट बैंक पर नजर रखी। तो अब कह सकते हैं कि जिस तरह 9 महिलाओं को टिकट दी गई है, आगे भी ये मोमेंटम अगर बरकरार रखता है तो ये तय मानिए कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों की संख्या इस बार बीजेपी से ज्यादा हो सकती है और एक उसका बड़ा मैसेज जाएगा पुरुषों के वनस्पति महिलाओं के वोट बैंक के सियासत को, गणित को अगर हम समझे। अच्छा दिनेश, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ये स्लोगन दिया था, नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या अब इसी स्लोगन के जरिए यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है चुनाव लड़ेगी राजस्थान में? जी देखिए, प्रियंका गांधी की अब तक 2 जनसभाएं हो चुकी है और तीसरी सभा उनकी 25 अक्टूबर को झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है इसका, तो तेलंगाना, मिजोरम, अन्य राज्यों में भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाना पड़ता है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह प्रियंका गांधी आ रही है कैंपेन करने, तो लगता है दोनों स्टेट की कमांड उन्होंने अपने हाथ में यहाँ पर ले रखी है और लोगों में उसका चार्ज भी है, क्रेज भी है, महिलाएं उनकी सभाओं में काफी रुचि है और महिलाओं के वोट बैंक पर कह सकते हैं कांग्रेस की इस बार विशेष नजरें, चाहे वो प्रियंका गांधी की सभाएं क्या उसके लिए योजनाएं हैं या फिर उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का फार्मूला।